जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात किया था एबल टू का यूज हम लोग किस तरीके से अपनी स्पोकन या फिर रिटन में यूज करते हैं, किस तरीके हम लोग सेंटेंस में एबल टू का यूज करते हैं। बट हमने जैसे बताया था एबल टू के जस्ट पहले क्या यूज होता है, बी होता है। एंड बी के हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, तो उस बी को हम लोग आज क्लियर करने के लिए आ गए हैं। एंड बी कितने टाइप से यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज नहीं होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। सो फ्रेंड चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड सीखते हैं बी के सारे यूज। अब देखिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा बी होता क्या है। तो जैसे कि मैं कल के वीडियो में बताया था कि आपको इज, एम, आर एंड वॉज एंड वर, ये क्या होते हैं आपके, इनको सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। एंड बी के और भी मतलब होते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी मैं बताऊंगा कितने टाइप से यूज होते हैं, बट डोंट वरी लास्ट तक बने रहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बी का यूज हम लोग करते हैं, बी को बोलते क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। जैसे कि आपने पैसों पे पढ़ा होगा इंटरमीडिएट लेवल पे कि जैसे कि हम लोग क्या बनाते हैं, जैसे जब पैसों बनाते हैं, जैसे राम इज, और फिर यहाँ क्या बनाते हैं, बीइंग। बीइंग क्यों बनाते हैं, क्योंकि बी की हमें वहां पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बी को हम लोग बोलते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। जैसे मैंने बताया था कि जब जब आपका नॉन एक्शन आता है, मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो बताया था वो कैप्स आपके कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है एक्शन एंड एक होती है नॉन एक्शन। आर यू गेटिंग, देखो मैंने क्या बताया था वो कैप्स आपकी कितनी होती हैं, एक एक्शन होती है एक नॉन एक्शन होती है। अब एक्शन क्या होता है, जो काम हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं एक्शन वर्ब, जैसे गो क्या है, जाना, जैसे प्ले, स्टडी, और ये सब क्या हो गए, जैसे ऑपरेट, ये सब क्या हो गए आपके एक्शन हो गए, ठीक है, जिनके लास्ट में क्या आता है, न, चलाना, अभी जाना, गाना, बनाना, ठीक है, ये सारे जो है इनको हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ब, ठीक है। बट अगर हम लोग बोले कि नॉन एक्शन क्या होते हैं, जैसे आपके हो गए टेबल, चेयर, फैन, ये सारे क्या हो गए आपके नॉन एक्शन, जिनको हम लोग एक्शन नहीं होते, ये क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं एंड इनको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एंड ऑब्जेक्ट के सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं। एंड नॉन एक्शन के जस्ट पहले हम लोग किसका यूज करना होता है, वॉज एंड वर का मिस बी फॉर्म का यूज करना होता है। जैसे कल के मैंने सब सेंटेंस क्या बनाया था, एबल टू, एबल टू क्या होता है, एबल टू के जस्ट, ये नॉन एक्शन होता है, क्या होता है, नॉन एक्शन। एंड नॉन एक्शन के जस्ट पहले हमको क्या चाहिए होता है, बी। जैसे मैंने कल की वीडियो बताया था कि नॉन एबल टू के जस्ट पहले हमको चाहिए होता है बी। बट बी क्या होता है कि अगर ऑलरेडी यहाँ पे इज एम आर दिया गया है तो आपको बी की कोई भी वहां पे नीड नहीं है। बट अगर इज एम आर नहीं दिया गया है तो फिर आपको वहां पे बी को लाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे बी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपकी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है इज एम आर होगी तो भी आपको वहां पे बी की फॉर्म नहीं चाहिए। बट अगर आपका विल हो गया जैसे, ठीक है, एंड वुड हो गया, तो इनके साथ में आपको बी का यूज करना पड़ेगा। जैसे चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे मैं अगर बनाऊ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ठीक, मैं डॉक्टर बनूंगा, यहाँ पे क्या है, शायद है, शायद मैं डॉक्टर बनूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मे। अब देखो यहाँ पे जैसे क्या है, डॉक्टर, ये क्या है, डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा मतलब पास्ट का है, फ्यूचर की बात। एंड डॉक्टर क्या है, एक्शन है कि नॉन एक्शन है, डॉक्टर जो है आपका वो क्या है, नॉन एक्शन। तो आपको पता होगा कि इसके पहले हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, ठीक है, तो इस पे क्या हो जाएगा, बी का यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई मे बी डॉक्टर, माई मे बी अ डॉक्टर, अ लगा दीजिए, ठीक है, आई मे बी अ डॉक्टर, शायद मैं एक डॉक्टर हूंगा। तो इस तरीके आप क्या करोगे, बना सकते हो, जब जब नॉन एक्शन वर्ब आएगी, वो कैप्स आएगी, तब तब आपको उसके जस्ट पहले बी का यूज करना पड़ेगा, समझिए। तो आप क्या होता है कि इज एम आर के जो सारे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, बी को हम लोग और सेकेंड टाइप से कैसे यूज करते हैं। देखिए बी जो होता है ये इक्वल किसके होता है, बी को हम लोग बोलते हैं कम, कम को भी क्या बोलते हैं, बी, गो को भी क्या बोलते हैं, बी, एंड रिच को भी क्या बोलते हैं, गो, क्या, बी। जैसे अगर मैं किसी से बोलूं कम हियर, कम का मतलब आओ एंड हियर का मतलब यहाँ, कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहां जाओ। बट इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूं कम हियर, क्या बोलूं, कम हियर। एंड अगर मैं इस पे, जैसे मैंने बताया कि ये जो है कम को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
बी बोल सकते हैं एंड कम को हम लोग बी बोल सकते हैं। जैसे कम लिखा है तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, बी हियर, क्या होता है बी हियर, ये आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है। बट पहले हम लोग क्या बोलते थे, कम हियर, कम हियर भी आपका गलत नहीं होगा, बट अगर आपके थोड़ी लैंग्वेज के लेवल को आप करना चाहते हो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, बी हियर, एंड वहां पे जाओ तो क्या बोलोगे, गो देयर, गो देयर भी सही होगा। बट अगर आप स्टैंडर्ड लेवल चाहते हैं, मतलब थोड़ी आपकी लैंग्वेज में थोड़ा मेरे इंटरेस्टिंग लाना चाहते हैं, इंटरेस्ट, तो वहां पे आपको क्या यूज करना होगा, बी देयर, क्या बी देयर, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ को क्या बोलेंगे, कम टू मी, क्या बोलेंगे, कम टू मी। बट अगर कम की जगह हम लोग ये लगा दें तो क्या हो जाएगा, बी टू मी, क्या हो जाएगा, बी टू मी, बी टू मी, ये भी सही है। एंड इसके इक्वल में अगर मैं पास करूँ तो इसके इक्वल में हो जाएगा कम टू मी, क्या हो जाएगा, कम टू मी, ठीक। आप इनमें से कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो। देखो, तुम्हें ताजमहल पहुंचना चाहिए, तुम्हें ताजमहल पहुंचना चाहिए, ताजमहल पहुंचना चाहिए मतलब यू शुड रीच द ताज, ये हो गया आपका, ठीक। ये क्या हो गया, ताजमहल। अब ये क्या हो गया, ताजमहल पहुंचना चाहिए, बट अगर मैं रिच की जगह क्या लगा दूं, बी लगा सकता हूं, तो यहाँ पे भी कोई गलती नहीं होगी, क्या हो जाएगा, यू शुड, एंड फिर रिच की जगह मैंने क्या लगा दिया, यू शुड बी द ताज, यू शुड बी द ताज, ओके। तुम्हें ताजमहल जानना चाहिए। आई होप आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, आर यू गेटिंग, आई होप आप समझ गए होंगे कि बी को हम लोग बोलते हैं इज एम आर वॉज वर, ये भी बी होते हैं आपके। एंड एक मिनट, इसका यूज करते कहाँ पे हैं, ये आपको नहीं पता ना, नहीं पता, जो डोंट वरी, देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे पैसिव, क्या पढ़ेंगे, पैसिव, पैसिव में हम लोग कैसे सेंटेंस बनाते हैं उस पर भी हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। एंड अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आपके आएंगे, आगे आने वाले वीडियो, उनमें आपका बी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बी पे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। तो बी का यूज क्या होता है, कम गो रिच, इन पे भी आप बी का यूज कर सकते हो। एंड ये क्या है, इज एम आर वॉज वर, ये भी आपके बी है। एंड थर्ड टाइप की जो होते हैं, थर्ड टाइप की क्या होते हैं कि आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए यहां भी क्या होते हैं, थर्ड टाइप के बी क्या होते हैं, जैसे तुम्हें वहां पे होना चाहिए, तुम्हें वहां पे होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड बी देयर, बी देयर, बोलो, एनी प्रॉब्लम नहीं है ना, हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें वहां होना चाहिए, मतलब तुम्हें वहां होना चाहिए, होने के सेंस में हम लोग क्या लगाते हैं, बी, बी मीन्स क्या होता है, होना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड बी देयर, आपको वहां पे होना चाहिए, होना चाहिए, तो इस तरीके आप बोल सकते हो। बट अब थर्ड टाइप हम लोग, चलो वहां पे मूव करते हैं कि थर्ड टाइप हम लोग किस तरीके यूज कर सकते हैं, आप ये समझ गए, चलिए अब नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप का, देखिए बी का और नेक्स्ट टाइप में क्या होता है, बी जो होता है हमेशा क्या होता है कि नॉन एक्शन के जस्ट पहले आपको क्या लगाना होता है, बी का यूज करना होता है, नॉन एक्शन के जस्ट पहले आपको बी का यूज करना होता है, नॉन एक्शन, क्या हो गया, नॉन एक्शन, नॉन एक्शन क्या होता है, नॉन एक्शन जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर आप कोई काम कर रहे हो वो क्या है, एक्शन, एंड अगर नहीं कर सकते हो, काम नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्शन। पंखा, पंखा क्या है, नॉन एक्शन। अच्छा, पंखा चलाना क्या है, ये क्या है, एक्शन है, क्योंकि चलाना लास्ट में भी आप समझ सकते हो ना आ रहा है, एंड ये काम है, क्योंकि वो मेरे, अगर आपको किसी काम को करने पे आपका एक भी बॉडी पार्ट अगर मूव होता है तो आपका क्या है, वर्क है, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे चादर ओढ़ना काम नहीं है, बट दोस्त यहाँ पे क्या होता है कि आप जब चादर ओढ़ रहे हो तो आपके क्या हो रहा है, हैंड क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है ना, हैंड मूवमेंट हो रहे हैं, तो इसपे क्या है कि एक बॉडी पार्ट कम से कम तो मैं वहां पे मूवमेंट हो रहा है ना, तो जब जब एक भी पार्ट अगर आपका मूव होता है वहां पे, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं एक्शन, ठीक। अब जब फैन ऑन करने जाएंगे, स्विच को हम लोग ऑन करेंगे, तो ये क्या है, फिंगर मेरी क्या होगी, मूव हुई ना, हैंड को पूरा मूव करना पड़ा, तो ये क्या हो गया, आपका एक्शन हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं नॉन एक्शन क्या होते हैं, नॉन एक्शन जैसे कि आपके हो गया डॉक्टर, इंजीनियर, टेबल, और ये आपका हो गया मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो है आपके, मैक, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, ये सारे जो होते हैं ऑब्जेक्ट हैं, एंड इनको हम लोग एक्शन नहीं बोल सकते हैं,
एंड नॉन एक्सेल के हमेशा पहले क्या आता है, बी आता है। अच्छा एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं, जैसे क्या होता है कभी कभी हम लोग जाते हैं एंड कुछ हो गया, जब मान लो जैसे कि रास्ते पे जा रहे हैं एंड चोट लग गई, थोड़ी सी इंजरी हो गई, तो कुछ लोग क्या होते हैं कि इमिडिएटली वहां पे ऐसा कुछ मतलब क्योर दे देते हैं कि वो जो ब्लीडिंग होती है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि तुम्हें तो यार डॉक्टर होना चाहिए था, ठीक है। एंड कभी कभी कहा मान लो कोई हम लोग का नल टाइप का कुछ टूट गया एंड किसी ने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या बोलते हैं यार तुम्हें प्लम्बर होना चाहिए था, तुम तो यार प्लम्बर कर लेते हो। एंड जैसे कोई अगर अच्छा पढ़ा के चला गया तो हमने क्या बोला, तुम्हें तो टीचर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके क्या होता है कि होना चाहिए एंड तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, ये सारे जो हम लोग बोलते हैं ये सारे क्या है, नॉन एक्शन है। जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें प्लम्बर होना चाहिए, तुम्हें प्लम्बर होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब देखो तुम्हें प्लम्बर होना चाहिए था तो इस पे क्या बनाएंगे, यू शुड हैव। अब यहां पे मैंने डैश दिया एंड ये क्या हो गया, प्लम्बर, क्या हो गया, प्लम्बर। अब एक बात मैं आपसे पूछूंगा, प्लम्बर जो आया है ये क्या है, एक्शन है या नॉन एक्शन है, नॉन एक्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लम्बर क्या है कि नॉन एक्शन, ये एक ऑक्यूपेशन का नाम है, ठीक है। एंड जैसे कि मैं आपको बताऊंगा शायद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्शन हमारे क्या होते हैं एंड नॉन एक्शन क्या होते हैं। नॉन एक्शन आपके चार टाइप के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिटेल हम लोग बात करेंगे कि हमारे नॉन एक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, प्लम्बर है हमारा नॉन एक्शन एंड नॉन एक्शन के जस्ट पहले जैसे मैंने बोला क्या होता है, बी होता है, तो बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। अब अच्छा आप देखिए क्या ये सही है, इज इट राइट, नो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बट इसको सही करेंगे कैसे, जैसे कि मैंने बताया था कि पास्ट में अगर चाहिए का सेंस आता है, एडवाइस का सेंस आता है, तो आपको शुड हैव यूज करना पड़ता है एंड जहां जहां हैव का यूज होता है वहां वहां आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एंड बी क्या है, बी भी एक एक्शन है जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, तो बी भी एक एक्शन है एंड एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बीन। हैव ऑलवेज आपका यूज करता है थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने आपको हैव वाले वीडियो में बताया था कि हैव के कितने टाइप से हैव यूज होता है, हैव के भी कई टाइप्स होते हैं, एक ही टाइप नहीं होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग हैव एंड हैव के बाद में थर्ड फॉर्म लगे तो क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कि मैं अभी बोलूं प्रेजेंट में, तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है कि यू शुड हैव, यू शुड, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में एडवाइस दी जा रही है, तुम्हें तो यार डॉक्टर होना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा क्योर जानते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू शुड, अब यहाँ पे बी आ जाएगा, अब बी न लगाना क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब हैव नहीं आया है एंड हैव का यूज नहीं हुआ है तो वर्ब की एक्शन की थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड हैव बी अ डॉक्टर, बी अ डॉक्टर। इस तरीके आप इसका यूज बी का कर सकते हो कि जब जब नॉन एक्शन आएगा तब तक उसके पहले क्या आएगा, बी आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था एबल टू मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, तो उसपे क्या था, एबल टू एक नॉन एक्शन होता है, नॉन एक्शन के जस्ट पहले मैंने क्या लगाया था, बी लगाया था। अगर इज एमआर ऑलरेडी दिया गया है तो बी की वहां पे कोई भी नीड नहीं होती है, बट अगर वहां पे इज एमआर नहीं है तो आपको बी की इम्पोर्टेंस फिल करने के लिए वहां पे आपको बी का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है कि यू शुड हैव बीन अ प्लम्बर एंड यू शुड हैव, यू शुड बी अ डॉक्टर, तो इस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो। आई होप आपको बी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। चलिए एक बार हम रिवीजन करते हैं कि कहाँ कहाँ होता है, चलिए एक बार समरी देखते हैं कि हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं। आप देखो जैसे मैंने बताया, इज एम आर एंड वॉज एंड वर, ये हमेशा क्या यूज करते हैं, बी यूज करते हैं, बी को हम लोग बोलते हैं। एंड जैसे कम, गो, रिच, इनको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। एंड नॉन एक्शन के हमेशा पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉन एक्शन जो वोकैब्स होती है क्या होती है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, इसके पहले हम लोग ऑलवेज बी का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। फर्स्ट इज एम आर वॉज वर, इसको हम लोग बी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आपको
कम गो रिच, इनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, बी हेयर बी देयर एंड यू शुड बी देयर, तुमको वहां पे पहुंचना चाहिए। एंड नेक्स्ट आपका बी हम लोग कब यूज करते हैं, नॉन एक्शन के जस्ट पहले हम लोग बी का यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। एंड अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक करें एंड प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।